गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 रीड कराऊंगी। लेसन 2, चिड़िया की चार बातें। बेटा, एक स्टोरी है, मैं इसे रीड करके बताऊंगी, आप ध्यान से स्टोरी को सुनेंगे, ठीक है? राजा प्रताप सिंह के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी। उसमें अंगूरों की बेल लगी थी। वहां रोज एक चिड़िया आती और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती, मगर अध पके और खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती। माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह हाथ नहीं आई। हताश होकर एक दिन माली ने राजा को यह बात बताई। वह सुनकर प्रताप सिंह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन वे वाटिका में छिपकर बैठ गए। जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। जब राजा चिड़िया को मारने लगा तो चिड़िया ने कहा, हे राजन, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की चार महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। तो बेटा, ये क्या है, एक चिड़िया की स्टोरी है, चिड़िया की चार बातें। तो एक राजा था, उसका क्या नाम था? राजा प्रताप सिंह। क्या नाम था? राजा प्रताप सिंह। और उसके महल में क्या थी? एक सुंदर वाटिका थी। तो उस वाटिका में क्या थी? अंगूरों की एक बेल थी। तो वहां पे क्या होता था, एक चिड़िया रोज आती थी और क्या करती थी, जो मीठे अंगूर होते थे उसे चुन चुन के खा जाती थी, और जो खट्टे अंगूर होते थे और जो अध पके होते थे उन्हें क्या करती थी, वह नीचे गिरा देती थी। और जो वहां बाग का माली था उसने उस चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश करी, पर वो चिड़िया क्या करती थी, उड़ जाती थी, उसकी पकड़ में नहीं आती थी। तो तब उसने ये बात किसको बताई? राजा को। तो राजा ने क्या करा, एक दिन क्या करा, वो कहां छिपकर बैठ गए, वाटिका में। और जब वो अंगूर खाने आई चिड़िया, तो राजा ने उसे फुर्ती से पकड़ लिया। तो जब वो चिड़िया को मारने लगे तो चिड़िया ने क्या कहा कि हे राजन, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें ज्ञान की चार महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। अब देखो आगे देखो क्या होता है स्टोरी में। राजा ने कहा, जल्दी बता। चिड़िया बोली, हे राजन, सबसे पहले तो हाथ आए शत्रु को कभी ना छोड़ो, सॉरी कभी मत छोड़ो। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर भूल कर भी विश्वास मत करो। और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो। राजा ने कहा, अब चौथी बात भी जल्दी बता। इस पर चिड़िया बोली, चौथी बात बड़ी रहस्यमय है, मुझे जरा ढीला छोड़ दे, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है, कुछ सांस लेकर ही बता सकूंगी। अब चिड़िया ने क्या महत्वपूर्ण बातें बताई, चार। पहले कि अगर आपके हाथ में आपका दुश्मन आ जाए, शत्रु आ जाए, तो उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात क्या बताई, कि असंभव बात पर कभी भी विश्वास मत करो, कि जो नहीं हो सकता उस पर कभी विश्वास मत करो। और तीसरी बात क्या बताई, कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो, कि जो बीत चुका है उस पर कभी भी पश्चाताप मत करो। और राजा ने एक्साइटेड होकर पूछा कि अब चौथी बात भी जल्दी बता दो। तो चौथी बात चिड़िया ने क्या बताई, कि बहुत रहस्यमय बात है, पहले जरा मुझे ढीला छोड़ दो, उसके बाद मैं चौथी बात बताऊंगी। अब चौथी बात सुनने के लिए राजा ने क्या करा, आगे देखिए।
चिड़िया की बात सुन जैसे ही राजा ने अपना हाथ ढीला किया, चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई और बोली, मेरे पेट में दो हीरे हैं। तो क्या करा, जब राजा ने थोड़ा सा अपना हाथ ढीला करा तो चिड़िया ने क्या करा, उड़कर एक पेड़ पे बैठ गई और क्या बोली कि मेरे पेट में दो हीरे हैं। यह सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गया। राजा की हालत देख चिड़िया बोली, हे राजन, ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है। आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने पकड़ कर मुझे छोड़ दिया। मैंने यह असंभव बात कही कि मेरे पेट में दो हीरे हैं, आपने उस पर भी भरोसा कर लिया। आपके हाथ में वे काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पश्चाताने लगे। उपदेशों को जीवन में उतारे बिना उसका कोई मोल नहीं। तो चिड़िया ने क्या करा, क्या कहा राजा से डाल पे बैठ के, कि मेरे पेट में दो हीरे हैं। जब उसने राजा ने ये बात सुनी तो उसे क्या हुआ, बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने सोचा, मैंने तो चिड़िया को छोड़ दिया, अगर मैं चिड़िया को नहीं छोड़ता तो मुझे ये हीरे मिल जाते। पर चिड़िया बहुत समझदार थी, चिड़िया ने राजा की हालत देख कर क्या कहा कि हे राजन, ज्ञान की बातें सुनने और पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता, उस पर अमल भी करना चाहिए। क्योंकि चिड़िया ने क्या करा था, पहले ही राजा को चार महत्वपूर्ण बातें बता दी थी, राजा ने सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, उस पे अमल नहीं करा। ठीक है, और चिड़िया ने क्या कहा कि तुमने क्या करा, असंभव बात पे विश्वास कर लिया कि मेरे पेट में दो हीरे हैं। जो चिड़िया ने चार महत्वपूर्ण बातें बताई थी, राजा ने उन सब पे क्या करा, विश्वास कर लिया, जबकि चिड़िया के पेट में हीरे नहीं थे और चिड़िया क्या थी, राजा की शत्रु थी, राजा ने उसे भी छोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि हमें कोई भी बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी पढ़ के बताई है ना, आपने स्टोरी सुनी, ध्यान से सुनी ना, तो आपको लर्न हुई थोड़ी बहुत, नहीं हुई? अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई, आपको समझ में नहीं आई, तो आपने क्या करा, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, दोबारा से इसे रीड करना चाहिए और इसे समझना चाहिए। ठीक है, उपदेशों को जीवन में उतारना चाहिए, यानी कि हम अगर कुछ सुन रहे हैं, मैम कुछ समय समझा रही है, तो एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालना चाहिए। जो मैम हमें समझा रही है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। क्योंकि मैम आपसे क्या बोलती है हमेशा, कि बेटा लर्न करो, पढ़ाई करो, और आप लोग क्या करते हैं, सुन के इग्नोर कर देते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ओके बेटा, गुड बाय।